Very good evening to everybody. I hope you guys are doing well. I hope you guys are ready for the session. So today we are going to do very, very interesting and very amazing topic, that is eat healthy and stay healthy. So अभी आप लोग सोच रहे होंगे अरे ये कौन सा टॉपिक है भाई, दिस इज अ टॉपिक ऑफ योर फूड चैप्टर रिलेटेड टू दैट, राइट. अभी इस टाइम पे दिस इज कोविड, यू नो पेंडेमिक टाइम चल रहा है. सो पेंडेमिक टाइम पे होता क्या है बेटा, you just have to take you know healthy food ताकि आपका properly आपको एक nutrition मिलता है. तो आज हम उसी के बारे में थोड़ा discuss करेंगे. So let's start the chapter. So देख लेती हूँ कौन कौन आ चुका है. Hi Hazel, hi Abhishek, hi everyone, hi बच्चा. चलो so फटाफट से share कर दो mentee quiz भी, इसी की होगी आपकी mentee quiz. और mentee quiz start हो जाएगी आपकी 4:30 पर. So everybody call your friends, जल्दी से उन्हें बुला लो, because हम मेंटी क्विज भी करेंगे 4:30 पे. बट उससे पहले जो मेंटी क्विज में क्वेश्चन आ रहे हैं उन क्वेश्चन को हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करके मेंटी क्विज करेंगे, ठीक है. सो आर यू गाइज रेडी, कम ऑन त्विशा. हाय त्विशा, हाय एवरीवन. यस सो लेट्स स्टार्ट द सेशन. अगर आपने मेरा लास्ट सेशन दैट वॉज यू नो एट 1 PM था, जो आपने अगर मिस किया हो इन केस, तो यू कैन वॉच इट देयर, मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा. यू जस्ट गो टू माय प्लेलिस्ट एंड सर्च इट, आपको वहां पर मिल जाएगा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑफ मोशन एंड मेजरमेंट चैप्टर, ठीक है. तो फटाफट से जाकर प्लेलिस्ट में आप मेरा वो सेशन भी देख सकते हैं. हाय अनुपमा, हाय रोमी, हाय शिवानी, हाय संतोषी, एवरीबॉडी गुड इवनिंग, हाउ आर यू गाइज डूइंग, कैसे हो आप लोग जल्दी से बताओ. आर यू गाइज, हाउ आर यू गाइज डूइंग. मॉनिटर, यस मॉनिटर कौन बनेगा जल्दी से बता दो. मॉनिटर कौन बनेगा, मॉनिटर की ड्यूटी होगी टू टेल एवरी स्टूडेंट की 4:30 PM पर हम स्टार्ट करेंगे मेंटी क्विज, ठीक है. ये आपकी ड्यूटी है. मॉनिटर कौन बनेगा, आई एम एब्सोल्युटली फाइन रोमी, ओके चलो ठीक है. हेजल बन जाओ, हेजल अभिषेक, हेजल अभिषेक एंड 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 और किसे बना दूं, हेजल अभिषेक एंड अनुपमा, ठीक है. मॉनिटर फॉर टुडे सेशन, ये मॉनिटर है टुडे सेशन के, ठीक है. चल आगे बढ़े, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हेल्दी फूड्स के बारे में. ऑफ कोर्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड आल्सो विल बी देयर. लाइक ये जो आपका सेशन है ना, इट्स लिटिल बिट हटके, मतलब बहुत ही हटके आपके चैप्टर से नहीं, बल्कि द थिंग विच इज रियली रियली इम्पोर्टेंट फॉर यू टू नो, वो सारी चीजें हमने यहाँ पर कवर की है. मेंटी क्विज होगा, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जैसा कि आपके हर सेशन में होता है यहाँ पे भी होगा. यस आई रिमेम्बर एवरीबॉडी, डोंट क्राई त्विशा, आप कल मॉनिटर बन जाना, ठीक है. सो हाय माय किडोज, दिस इज योर साइंस एजुकेटर प्राची सिंह हियर, एंड यस आई हैव डन माय मास्टर इन कॉमर्स, मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया हुआ है. आई एम हैविंग पास 1.5 एक्सपीरियंस इन टीचिंग एज वेल. So this is about me, a very little information. And मेरा कोड आपको याद रखना है, अगर आप कॉम्बैक के लिए इनरोल करना है आपको मेरे कोड से कर लो, अगर आपको 10% का ऑफ चाहिए then also you can use my code, ठीक है. So do join the Telegram channel, फटाफट से join कर लो Telegram channel को. YouTube का schedule देख लो, संडे को मैं हमेशा 9 AM पर लाइव भी आऊंगी, और ट्यूजडे एंड थर्सडे मेरा सेशन 2:10 PM पर होगा, ठीक है. So be there everybody, this is my schedule, 1 and 4 PM daily होगा, except Tuesday, Thursday. So फटाफट से मुझसे मिलने आपको daily आना पड़ेगा, okay? So let's talk about the important updates of our academy. Hi Shubhangi, hi everyone, hi बच्चे. So do hit the like button, make it 20. जैसे सुबह का session हमने एकदम rocking बनाया था ना, वैसे हमें इस session को भी एकदम rocking बना देना है कि नहीं, क्या कहते हो बच्चे पार्टी. हाय अशिलेशा, हाय बच्चे, हाय एवरीबॉडी, हाय शुभांगी, हाय एवरीवन, हाय एवरीवन, हेलो. चलो फटाफट से डू हिट लाइक द बटन, जल्दी से मेक इट 20 अभी राइट नाउ. आस्क अ डाउट फीचर, यू कैन यूज 24/7, जिसमें आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो. जस्ट यू हैव टू डू अ 3 steps, क्लिक क्रॉप एंड आस्क. 24/7 मैथ्स और साइंस के डाउट आपके वहां पर सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है. And you will, of course, you will win IPL merchandise. अगर आप highest doubt IPL में पूछोगे तो you will be player of the series. And अगर आप एक दिन में highest doubt पूछते हो, then you will be emerging player of the series.
सो ये तो आपकी बात हो गई आस्क डाउट की। अभी तक कॉम्बैट में जिसने इनरोल नहीं किया है, डू इनरोल इट इन दैट, बिकॉज अभी कमिंग संडे यानी ऑन 25th of April यू आर हैविंग योर कॉम्बैट, राइट? और ये आपका बहुत ही अमेजिंग कॉम्बैट है। यू आर हैविंग यू नो लार्जेस्ट अपॉर्चुनिटी टू विन स्कॉलरशिप रुपीज वर्थ 1 crore। सो फटाफट से जाकर अपने आप को इनरोल कर लो। कॉम्बैट में 60 मिनट का टेस्ट होने वाला है ये, जिसमें सुपर 30 क्वेश्चंस होंगे। वीकली कॉम्बैट होगा, यानी कि एवरी संडे दिस इज गोइंग टू हैपन। ये स्पेशली क्लास 6 के लिए है, तो फटाफट से जितने बच्चे 6 क्लास में हो मेरे कोर्स से एनरोल कर लो अभी कॉम्बैट में, ठीक है? हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। आफ्टर दैट यू विल गेट अ डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन। फर्स्ट 3 विनर्स को 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा, 150 को स्कॉलरशिप फ्री मिलेगी, यानी 150 के तक जो विनर्स होंगे दे विल गेट स्कॉलरशिप। तो डू एनरोल योरसेल्फ, दिस इज अ फ्री रजिस्ट्रेशन। प्रयाज कोड से आप अपने आप को कॉम्बैट में एनरोल कर सकते हो, ठीक है? अमेजिंग ऑफर्स के बारे में यू एवरीबॉडी नो कि आपको एक्स्ट्रा मंथ के सब्सक्रिप्शन मिल रहे हैं, तो फटाफट से जाकर एकेडमिक ईयर का ऑफर भी अवेल कर लो। आर यू गाइज रेडी? नाउ टेल मी, आर यू गाइज रेडी फॉर द सेशन? हाई एवरीबॉडी, हाई जस्मिता, हाई एवरीवन, गुड इवनिंग। हाई बच्चा, प्लीज सेंड द लिंक फॉर एनरोलिंग पर नाटो, यू विल गेट द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है? फटाफट से जाकर जल्दी से अपने आप को कॉम्बैट के लिए इनरोल कर लो। दिस इज अमेजिंग अपॉर्चुनिटी यू आर गेटिंग हियर। आपको बहुत ही ज्यादा, यू नो, 150 स्टूडेंट्स विल गेट दिस स्कॉलरशिप एंड ऑफ कोर्स टॉप 3 को 1 साल का बेनिफिट मिलेगा सब्सक्रिप्शन का। तो कमान यार, बिना डिले किए जाकर अभी कॉम्बैट में अपने आप को इनरोल कर लो। आर यू गाइस रेडी? गुड इवनिंग ममता, गुड इवनिंग एवरीवन, हाय ऋतुराज, हाय बच्चे दीपांशी, हाय एवरीबॉडी, यू गाइस आर रेडी? चलो रेडी हो तो कम ऑन मेक इट 30 लाइक जल्दी से, कम ऑन मेक इट 30 लाइक इफ यू पीपल आर रेडी। हाय तनीषा, हाय पिंकी, हाय सृष्टि, हाय बच्चे जस्मिता, ऑलरेडी वी हैव डिसाइडेड द मॉनिटर्स। सो मॉनिटर्स आप लोग रेडी हो, 4:30 पे मेंटी होगी, आपको स्टूडेंट्स को बताना है, ठीक है? हाय जागृति, हाय शिवानी, हाय एवरीवन। चलो सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो आज का सेशन इज टोटली अबाउट फूड। अब फूड से मुझे याद है भाई, कौन कौन यहाँ पे फूडी है, मतलब लाइक फूड की बात आती है तो हम बिल्कुल एकदम क्रेजी हो जाते हैं, है ना? सो कौन कौन यहाँ पे फूडी है, मेरे को कॉमेंट सेक्शन में जानना है भाई, कौन कौन फूडी है यहाँ पे, जल्दी से बताओ कौन। पर्ल, अभी आप पर्ल मैंने आपको मॉनिटर बनाया था, हेजल इज द मॉनिटर, हेजल है एंड यस, मुझे चेक करना होगा बिकॉज आई ऑल्सो फॉरगेट कि कौन कौन मॉनिटर बने थे। सो लेट मी जस्ट चेक इट, कौन था? अनुपमा हेजल एंड अभिषेक, अनुपमा हेजल एंड अभिषेक आर द मॉनिटर्स, ठीक है? अनुपमा हेजल एंड अनिकेत, ठीक है? अनुपमा हेजल एंड अभिषेक आर द मॉनिटर्स, ठीक है? चल, सो हु ऑल आर फूडी? नो मैम, यू डोंट, डिड नॉट मेक मी। चलो पर्ल आप भी वो बन जाओ, ठीक है? पर्ल आप 4 लोग मॉनिटर हो, यस। सो आई एम ऑल्सो बिग फूडी, लाइक जब भी फूड की बात आती है ना, आई स्टार्टेड एक्टिंग लाइक अ क्रेजी, मुझे बहुत ज्यादा खाना पसंद है, आई जस्ट वांट टू ईट ऑल द टाइम। लेकिन जस्ट क्वेश्चन योर सेल्फ वन थिंग, राइट? जस्ट क्वेश्चन योर सेल्फ वन थिंग कि क्या जो खाना आप खा रहे हो दैट इज हेल्दी? व्हाट्स इट, जो खाना आप क्या खा रहे हो दैट इज हेल्दी, बताओ जल्दी से बताओ, जो खाना आप खा रहे हो क्या वो हेल्दी है, दैट इज रियली हेल्दी फॉर यू, कम ऑन। ओके अश्लेष, आई विल मेक यू मॉनिटर फॉर माय नेक्स्ट क्लास, श्योर, जल्दी से बताओ। नॉट ऑलवेज मैम, वेरी गुड पर्ल, यस मैम। सो जस्ट क्वेश्चन योर सेल्फ कि वॉट एवर यू आर ईटिंग थ्रू आउट अ डे, थ्रू आउट अ ईयर, थ्रू आउट अ मंथ और थ्रू आउट अ वीक, दैट इज वेरी हेल्दी फॉर यू? नो, द क्वेश्चन का आंसर इज नो, नॉट ऑल द टाइम, राइट? अभी यू आर ईटिंग पिज्जा, सो पिज्जा इज यमी, टेस्टी, राइट? पिज्जा का नाम सुनते ही मुंह में तो एकदम पानी आ जाता है, आ जाता है कि नहीं आ जाता है? लेकिन क्या वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही यू नो बेनिफिशियल है, बहुत ही हेल्दी फूड है हमारे लिए? नो,
इट इज जस्ट फॉर अ टेस्ट, है ना। हम अपने टेस्ट बड्स को वो क्या बोलते हैं, टेस्ट बड को टेस्ट देने के लिए भले ही पिज्जा खा ले, बट उससे हमारे हेल्थ पर कोई भी असर नहीं होने वाला। असर इन द सेंस, इन गुड सेंस, पिज्जा हमेशा ऑल द टाइम खाने से आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है, लेकिन पिज्जा खाने से आपकी हेल्थ कभी सुधर नहीं सकती बच्चों, ठीक है। सो आज हम बात करेंगे उन्हीं खानों के बारे में जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशंस देंगे, उन फूड्स के बारे में विल डिस्कस जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज के लिए मैं आपको ये बताना चाहूंगी, ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी, लिव हेल्दी लाइफ एंड लिव लव योरसेल्फ फ्रॉम विद इन। अपने आप को अंदर से प्यार करो। जरूरी नहीं है कि कोई इंसान मोटा हो या पतला हो, व्हाटएवर, दैट टोटली हिज और हर चॉइस, करेक्ट। यू आर नो वन टू कमेंट ऑन एनीबॉडी कि यू आर मोटा, यू आर पतला, यू आर सुकड़ू, यू आर हड्डी, नॉट एट ऑल। आप नहीं कह सकते किसी को। जस्ट लव योर सेल्फ फ्रॉम विद इन, जैसे भी हो आप अच्छे हो, ठीक है। बट ट्राई टू ईट हेल्दी, ट्राई टू स्टे हेल्दी एंड यस ऑफ कोर्स लिव हेल्दी लाइफ। तो चलो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। सो क्या बोलते हो बच्चे, पार्टी स्टार्ट किया जाए सेशन को? हाय युवती, हाय बच्चे, हाय एवरीबॉडी, चलो स्टार्ट करें। यस, मेंटी टाइम इज 4:30, 4:30 पे एग्जैक्ट विल स्टार्ट द मेंटी, ठीक है। चलो हाय हर्षिका, हाय बच्चे, यस। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहला आज मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, लेट्स स्टार्ट से पहले मैं बता दू, आज मैं आपको यहाँ पे लाइक 7 to 8 टिप्स दूंगी, राइट, टू ईट हेल्दी फूड। टू ईट हेल्दी फूड, क्या क्या फूड हम खा सकते हैं जो कि हमारे लिए हेल्दी हो। चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले, बेस योर मील्स ऑन हाइयर फाइबर्स स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट्स। अब इसका क्या मतलब है, क्या मतलब है इसका? आपने पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट क्या है बच्चे, कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है, जल्दी से बताओ, कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है? कम ऑन, हु विल आंसर मी दिस क्वेश्चन? कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है, जल्दी से? एनर्जी, बिल्कुल। क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है, राइट। सो आपको अपनी मील, यानी कि जो आप खाना खा रहे हो, फूड, वट एवर फूड यू आर ईटिंग, जस्ट मेक श्योर कि उसमें फाइबर और स्टार्ची फाइबर, यानी कि स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट वहां पर ज्यादा होना चाहिए। वट एवर मील यू आर ईटिंग, जस्ट मेक श्योर कि इसमें स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो। स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट विल मेक अप जस्ट ओवर 1/3 ऑफ द फूड यू ईट, राइट। जो आप खाना खाते हो उससे ये, अगर आप स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट खाने लगोगे तो यू विल गेट मोर एनर्जी, एनर्जी आपको ज्यादा मिलने लगेगी फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग, आपका जो हिस्सा है, फूड का जो हिस्सा है, वो थर्ड, यानी टोटल में थर्ड, तीन भाग स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट का होता है, ठीक है। उसमें क्या क्या आते हैं, पोटैटोज आर देयर, ब्रेड्स आर देयर, राइस, पास्ता, सीरियल्स आर देयर। ट्राई टू ईट दीज काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। इनको ज्यादा खाने की कोशिश करो ताकि आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो। कार्बोहाइड्रेट होगा तो यू गेट मोर एनर्जी, एनर्जी मिलेगी तो ज्यादा काम कर सकते हो, ज्यादा मेहनत कर सकते हो, ज्यादा हर चीज कर सकते हो, राइट। तो ट्राई टू ईट फूड दैट इज हाइयर इन स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि आप राइस खा सकते हो। राइस ऑल्सो लाइक टेस्ट में भी राइस इज गुड, खाओगे तो आपको एनर्जी मिलेगी। पास्ता इज ऑल्सो गुड, खाओगे एनर्जी मिलेगी। सीरियल्स इज ऑल्सो गुड, खाओगे तो एनर्जी मिलेगी। सो दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि भाई आपको कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, ठीक है। जल्दी से, यस बच्चा बिल्कुल करेक्ट अमोक, मैम आंसर देख लो। आयुष कौन सा आंसर देख लू, कौन सा आंसर देख लू बेटा? यस बच्चा, फैट ऑल्सो प्रोवाइड यू एनर्जी एंड फैट आपको कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, राइट। फैट आपको कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ये भी बात आपने बिल्कुल सही कही। यस बिल्कुल, कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप आर देयर स्टार्च और शुगर, तो उसमें ट्राई टू ईट स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट, ठीक है।
जो भी मील लो वो शुगर कार्बोहाइड्रेट का नहीं, रादर देन टेकिंग द मील ऑफ शुगर कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट ईटिंग स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट फूड ज्यादा खाने की कोशिश करो एज कंपेरिजन टू शुगर कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, समझ में आया इतना? यस, जल्दी से। हाँ, पोटैटो में भी स्टार्च होता है, बिल्कुल करेक्ट। ब्रेड में होता है, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल। दे हेल्प फ्यूल योर ब्रेन, किडनी, हार्ट, मसल, सेंट्रल नर्व सिस्टम। वेरी गुड जैस मेहता, बिल्कुल करेक्ट। कॉम्प्लेक्स सिंपल कार्बोहाइड्रेट, बिल्कुल करेक्ट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एंड सिंपल कार्बोहाइड्रेट, बिल्कुल। यस, शुगर इज सिंपल एंड स्टार्च इज कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल सही। ये कौन आंसर दिया था? मृदुल। वेरी गुड मृदुल, वेरी गुड। सो ये क्लियर हुआ। अभी हम सेकंड क्या पढ़ने वाले हैं? सेकंड पढ़ने वाले ईट्स लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ज्यादातर ना कोशिश क्या करो कि अच्छे अच्छे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाओ। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है ना, और लौकी है, ब्रोकली है, ट्राई टू ईट गार्लिक, ये सारी चीजें खाने की कोशिश करो। फ्रेश फ्रूट, बनाना, एप्पल, मैंगो है ना, ये सारी चीजें खाने की कोशिश करो। ट्राई टू ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इट इज रिकमेंडेड बाय अ डॉक्टर, एक्चुअली इट इज रिकमेंडेड बाय अ डॉक्टर, बाय अ स्पेशलिस्ट, कि आपको फ्रूट्स एटलीस्ट 5 पोर्शन, एटलीस्ट यू शुड ईट एटलीस्ट 5 पोर्शन ऑफ अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एवरी डे, एवरी सिंगल डे। 5 पोर्शन आपको वैरायटी ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल का ही खाना चाहिए। वेदर दे कैन बी फ्रेश, फ्रेश खा लो, फ्रोजन खा लो, केन्ड खा लो, ड्राइड और जूस्ड भी कर सकते हो, जूस भी पी सकते हो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का, ड्राइड भी खा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं भी है, कैन्ड भी खा सकते हो, फ्रोजन भी खा सकते हो, फ्रेश भी खा सकते हो। जरूरी नहीं है कि तुरंत मार्केट से उठाया और अब खा लिया कब से, और अभी तो आप ऐसा कर भी नहीं सकते, यू कांट डू इट राइट नाउ, बिकॉज अभी आप जानते हो दिस इज कोरोना टाइम। सो कोरोना टाइम में तो भाई 24 आवर्स तक अगर जो भी वेजिटेबल यू आर बाइंग फ्रॉम द मार्केट, कीप इट असाइड, डोंट यूज दैट एटलीस्ट फॉर अ वन डे, सो दैट कि उसके जितने भी उसमें बैक्टीरिया हैं वो मर जाएं, तब आप उस खाने को खा सको। ठीक है, सो ट्राई टू इट, लेकिन अभी इस टाइम पे ड्यूरिंग पेंडेमिक सिचुएशन आपको आपको हेल्दी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं? हाय शिवांश, हाय, बताओ। पेंडेमिक टाइम में ही नहीं, इन ऑल द टाइम यू शुड बी लाइक, आपके लिए एक चीज प्रायोरिटाइज होनी चाहिए एंड दैट इज योर हेल्थ। सो हेल्थ पे कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं होना चाहिए, है ना? सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप खूब सारे फ्रूट खाओगे, खूब सारे वेजिटेबल्स खाओगे, ग्रीन वेजिटेबल्स खाने की कोशिश करो। ट्राई टू इट जो फ्रूट्स में आपको ज्यादा ज्यादा आपको टेस्ट, देखो फ्रूट्स तो लाइक मेरे हिसाब से फ्रूट्स, हर फ्रूट टेस्टी है, सो टेस्ट की तो यहाँ कहीं बात ही नहीं आती कि भाई हमें पसंद नहीं है, सबको फ्रूट्स पसंद है। इज एनीबडी देयर जिसे फ्रूट्स नहीं पसंद? क्या कोई ऐसा यहाँ पर है जिसे फ्रूट्स नहीं पसंद? यस ऑफ कोर्स आयुष, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर गुड फॉर हेल्थ, और 5 पोर्शन एटलीस्ट आपको वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लेना ही चाहिए इन एवरी डे। सो ट्राई टू ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, ठीक है, ये भी जरूर लेने की कोशिश करो। या बच्चे लर्निंग एकेडमी, आपका नाम ले लिया बेटा, You love fruit, very good. बहुत ज्यादा नहीं खाओ। देखो 5 पोर्शन खाना और बहुत ज्यादा खाना में अंतर होता है बच्चे, 5 पोर्शन खाना और बहुत ज्यादा खाना में अंतर होता है। सो बहुत ज्यादा मत खाओ, लेकिन यस ट्राई टू ईट एटलीस्ट 5 पोर्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ईट मोर फिश इंक्लूडिंग अ पोर्शन ऑफ ऑयली फिश। सो अभी ये किसके लिए? ये फॉर नॉन वेजिटेरियन। अभी ये मत सोचो कि मैम सबको खाने को कह रही है, नहीं, दिस इज फॉर नॉन वेजिटेरियन, जो नॉन वेज खाते हैं उनके लिए है। फिश खाते हो अगर आप तो ट्राई टू ईट ऑयली फिश, ऑयली फिश खाने की कोशिश करो। फिश इज अ वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड कंटेन्स मेनी विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, बहुत ही ज्यादा रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है फिश, इसमें आपको मिनरल्स और विटामिन भी मिल जाते हैं। सो एटलीस्ट ट्राई टू ईट यू नो ऑयली फिश, एटलीस्ट 2 पोर्शन ऑफ फिश इन अ वीक, राइट? 2 पोर्शन ऑफ फिश खाने की कोशिश करो इन अ वीक, और एटलीस्ट उसमें 1 पोर्शन ऑयली फिश का हो, यानी 1 पोर्शन नॉर्मल फिश, 1 पोर्शन ऑयली फिश, जिससे आपकी बॉडी में प्रोटीन भी आपको मिलेगा
मिनरल्स भी मिलेगा और साथ ही साथ विटामिन। सो जो एक चीज खाने से आपको तीन न्यूट्रिशन मिल रहा है, राइट? एक चीज खाने से यू गेटिंग थ्री न्यूट्रिशन। तो ट्राई टू इट एटलीस्ट ऑयली, यू नो, टू पोर्शन ऑफ फिश इन अ वीक, जिसमें से एक आपका नॉर्मल हो और एक आपका ऑयली हो। ओके, क्लियर? यस, दे आर वेरी रिच सोर्स। बिल्कुल सही, हाँ, बोथ प्रोडक्ट्स आर गुड। बिल्कुल, बोथ प्रोडक्ट्स आर गुड, बट ट्राई टू, यू नो, जो दोज हु आर नॉन वेजिटेरियन, दोज, दिस इज स्पेशली फॉर दोज जो नॉन वेजिटेरियन है। आयुष, जो लोग वेजिटेरियन, उन्हें फिश खाने की जरूरत नहीं है, आप मिल्क पी सकते हो, राइट? आप मिल्क पी सकते हो, आप पनीर खा सकते हो। सो जो वेजिटेरियन है वो मिल्क, पनीर, बटर, घी, ये सारी चीजें खाए, लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन है वो ऑयली फिश खा सकते हैं, ठीक है? अब नॉन ऑयली फिश क्या क्या होती है? हेडॉक, पैलास, कोले, कॉड, टूना, स्कैटे, हैके, ये सारी चीजें नॉन ऑयली फिश में आ जाती हैं। ऑयली फिश में आते हैं सेलमन, ट्रॉट, हेरिंग, सार्जिनेस, पिलकट्स एंड मैकरल। ये सारी फिशेज आर दोज जो कि आपकी ऑयली फिश है, ठीक है? जिनको आपको क्या करना है, टू पोर्शन में एटलीस्ट वन पोर्शन आपको इन ऑयली फिशेस का खाना है, वन पोर्शन आपको इन फिशेस का खाना है, ठीक है? इन अ वीक, एक हफ्ते, एक वीक की बात हो रही है, एक हफ्ते में आपको ये खाना है, ठीक है? क्लियर? यू लव पनीर, मिल्क नॉट मैम, ओके, चलो कोई नहीं, मिल्क नहीं पीते हो बट ट्राई टू ड्रिंक मिल्क। देखो मैं ना इतनी बड़ी हो गई, स्टिल आई यूज टू ड्रिंक मिल्क एट नाइट, मैं रात में जरूर पीती हूँ एक ग्लास दूध। सो ट्राई टू ड्रिंक मिल्क बेटा, इट इज रियली रियली वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। और मिल्क में आप क्या डाल दो, हल्दी डाल दो, थोड़ा सा टर्मरिक, जानते हो दैट टर्मरिक पाउडर डाल दो, दैट इज रियली वेरी वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी हेल्थ के लिए नाउ अ डे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कट डाउन ऑन सैचुरेटेड फैट एंड शुगर। तो आपको पता है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ यू नो फैट एंड शुगर, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो व्हाट इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड शुगर? कट डाउन कर दो जो सैचुरेटेड फैट और शुगर। यू नीड सम फैट इन योर बॉडी, आपको फैट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपको पता है फैट क्या है, एनर्जी गिविंग कॉम्पोनेंट है। क्या है बच्चे? एनर्जी गिविंग कॉम्पोनेंट्स है फैट आपकी बॉडी के, राइट? दे आर एनर्जी गिविंग components, so you need some fat in your diet, but it's not important to pay attention to the amount and a type of fat you are eating, right? There are two types of fat, saturated and unsaturated one. अगर आप too much, बहुत ज़्यादा saturated fat खा लोगे, तो वो आपकी body में cholesterol level increase कर देगा, right? आपके blood में cholesterol level increase कर देगा, जिसके कारण आपको heart disease भी हो सकती है। So try to eat mixed, like saturated वाला भी, unsaturated वाला भी। ज़्यादा saturated भी मत खाओ, ज़्यादा unsaturated भी मत खाओ, ठीक है? Try to balance that, उसको balance करने की कोशिश कर। I drink coffee two times a day, अच्छा। Ma'am, is the meat is fat? Meat में भी आपको बेटा same, you'll get protein, minerals and vitamin in that also, ठीक है? खाने की कोशिश करो। सो सैचुरेटेड तो पता चल गया, सैचुरेटेड से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है ब्लड में, और जिसके कारण आपको हार्ट की डिसीजेस की प्रॉब्लम हो सकती है। अब व्हाट इज सैचुरेटेड, ये तो सैचुरेटेड फैट था, ये क्या था बेटा? सैचुरेटेड फैट था। अभी सैचुरेटेड शुगर से क्या होता है? रेगुलरली इफ यू कंज्यूम फूड एंड ड्रिंक्स दैट आर हाई इन शुगर, जो ज्यादा शुगर्स की होंगी, दैट विल इंक्रीज योर रिस्क ऑफ ओबेसिटी एंड टूथ डिके। ओबेसिटी क्या होती है जल्दी से बताओ, पढ़ा है ओबेसिटी? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बताओ, ओबेसिटी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? कम ऑन, जल्दी से बताओ, ओबेसिटी पढ़ा है? हिट द लाइक बटन यार, 60 स्टूडेंट आर देयर, एटलीस्ट 60 लाइक तो कर दो अभी। जल्दी से बताओ ओबेसिटी क्या होती है? ओ, यू ड्रिंक मिल्क, दैट्स गुड अश्लेषा, बहुत बढ़िया बात है।
यस बिल्कुल करेक्ट शीना, वेरी गुड। मेंटी क्विज होगी 4:30 पे, जस्ट आफ्टर 10 मिनट्स। यस ओबेसिटी पता है क्या होता है बेटा, जब आप बहुत सारा फैटी फूड खाते हो ना, ये देखो ना पिक्चर में, बर्गर, पिज्जा, डोनट, बिस्किट और नूडल्स, मैगी, है ना, लॉट्स ऑफ यू नो फैटी फूड। जब आप खूब सारा सैचुरेटेड फैट खाते हो, जब खूब सारा सैचुरेटेड फैट और शुगर खाते हो, दोनों खा लेते हो, सो क्या हो जाता है, आपको ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसे हिंदी में बोलते चर्बी बढ़ जाना। क्या बोलते हैं? चर्बी बढ़ जाना। सो आपके फैट लेवल इंक्रीज हो जाता है, चर्बी बढ़ जाती है आपकी बॉडी की, सो दैट इज कॉल्ड ओबेसिटी। और टूथ डिके मतलब दांतों में आपके दर्द हो जाएगा, ठीक है। सो जो शुगर फूड्स और ड्रिंक्स होती हैं, दे आर ऑफन हाई इन एनर्जी, एनर्जी उसमें ज्यादा होती है, आप किलो जूल या कैलोरी में उसको मेजर कर सकते हो। एंड इफ यू कंज्यूम टू ऑफन, तो आपका वेट भी बढ़ सकता है, मोटे हो जाओगे, यू विल गेन वेट, है ना। इससे आपको टूथ डिके भी हो सकता है, स्पेशली इफ ईटन बिटवीन मील्स, अगर आप खानों के बीच में सैचुरेटेड फैट और शुगर खाओगे तो आपको दांतों का दर्द भी, यानी कि टूथ डिके भी हो सकता है। सो दिस इज अबाउट सैचुरेटेड फैट एंड शुगर। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, मेंटी विल बी एट 4:30। बच्चा ऑलरेडी आपको बता रही है मॉनिटर्स कि मेंटी 4:30 पे होगा, ठीक है, जस्ट आफ्टर 9 मिनट्स। ओके यस, सो गेट एक्टिव एंड बी अ हेल्दी वेट, ठीक है। हमेशा एज वेल एज ईटिंग हेल्दीली, रेगुलर एक्सरसाइजेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपको रेगुलरली डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। अच्छा, कौन कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं जो एक्सरसाइज डेली करते हैं? कौन कौन एक्सरसाइज करता है जल्दी से बताओ, कौन कौन एक्सरसाइज करता है, करता है कौन कौन एक्सरसाइज? वेरी गुड शुभांगी, शुभांगी ने एक चीज बहुत अच्छी बोली कि ओबेसिटी से बचने के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड शुभांगी। हाय बच्चे श्रेयांश, हाय बेटा, यस न्यू टू योर क्लास, हाय युक्ति, हाय बच्चे। नहीं करते, करना चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए एक्सरसाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, आपका जो रिस्क है हेल्थ, मतलब लाइक बहुत सीरियस जो हेल्दी कंडीशंस हो जाती हैं, हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं आपको, सॉरी नॉट हेल्दी कंडीशंस, लेकिन जो आपको बहुत ज्यादा सीरियस इश्यूज हो जाते हैं, जैसे हार्ट प्रॉब्लम, बीपी प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, एवरीथिंग लाइक दैट, राइट। सो अगर आप चाहते हो कि अभी आपको कोई दिक्कत ना हो, वैसे तो आप लोग छोटे छोटे हो, अभी तो ऐसी दिक्कतें नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे आप बड़ोगे, बड़े होगे ना, सो अभी अब नाउ डेज क्या है बच्चे, छोटे बच्चों को भी बीपी प्रॉब्लम हो जा रही है ना, सर दर्द हो रहा है, बीपी प्रॉब्लम हो रही है। सो अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसी कोई बीमारी ना हो, तो ट्राई टू डू रेगुलर एक्सरसाइज ऑल्सो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी वेलबींग और हेल्थ के लिए एक्सरसाइज एकदम रामबाण है, सो ट्राई टू डू एक्सरसाइजेस ऑल्सो, सो दैट यू फील एक्टिव, यू स्टे अलाइव एंड यू फील लाइक वेरी फ्रेश थ्रू आउट द डे, राइट। सो एक्सरसाइज भी जरूर से जरूर करो। नेक्स्ट थिंग इज डू नॉट गेट थर्स्टी, टू कीप बॉडी हेल्दी फिट एंड आवर इम्यूनिटी पावर विल इंक्रीज, बिल्कुल करेक्ट शीना, इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी, आपको बहुत ज्यादा अच्छी हेल्थ मिलेगी। हाई दीपक, हाई कृष्णा, वेरी गुड आयुष, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड कम ऑन यार, मेक इट एटलीस्ट 65 लाइक, जल्दी से कर दो 65 लाइक। और डू नॉट गेट थर्स्टी, आपको प्लेंटी अमाउंट ऑफ फ्लूइड भी अपनी बॉडी में लेना चाहिए, है ना, पानी भी एकदम जितना जरूरी पानी हो, 6 to 2 glass, लाइक हमेशा गवर्नमेंट रिकमेंड करती है कि 6 to 8 glasses एवरी डे पानी का आप पियो, तो ट्राई टू टेक प्लेंटी अमाउंट ऑफ फ्लूइड ऑल्सो इन योर बॉडी, सो दैट आपकी बॉडी को कभी डिहाइड्रेशन ना हो, राइट। अपनी जो भी आप ले रहे हो, जो भी फ्लूइड ले रहे हो, आप जो खाना खा रहे हो, जैसे आप खाना खाते हो तो तुरंत पानी मत पियो, अगर आपने खाना खाया तो जस्ट लाइक आफ्टर 5 मिनट ट्राई टू ड्रिंक वाटर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, कि वो खाना खाते समय उनको इतना पानी चाहिए होता है। सो अगर आपकी ऐसी कोई हैबिट है तो उसको कम करने की कोशिश करो, आफ्टर 5 मिनट्स ऑफ फूड देन ट्राई टू टेक
वॉटर, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने आपको प्यासा बिल्कुल मत रखो, पानी एकदम पीते रहो, टाइम टू टाइम पानी पीते रहो, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाय आरोही, हाय बच्चे, दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट थिंग, डू नॉट स्किप ब्रेकफास्ट। अभी मेरे को ये चीज तो आपसे जाननी है कि कौन कौन मेरे बच्चे ऐसे हैं कि जो ब्रेकफास्ट नहीं करते। कौन नहीं करता ब्रेकफास्ट, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, कौन ब्रेकफास्ट नहीं करता यहाँ पे? कौन ऐसा बच्चा है जिसे ब्रेकफास्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिसे ब्रेकफास्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है? जल्दी से बताओ, कौन कौन यहाँ पे ब्रेकफास्ट नहीं करता? आई एम नॉट, नॉट मी। हाय परी, हाय मी समटाइम। So this is very bad. देखो, some people skip breakfast because they think it help them to lose weight, है ना? बहुत सारे लोग होते हैं कि उन्हें लगता है अरे यार हमारी बॉडी का वेट बढ़ रहा है, चलो अब हम ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे। ऐसा मत करना, ठीक है, ऐसा बिल्कुल मत करना। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई ब्रेकफास्ट हमें नहीं करना चाहिए, तो चाहे ब्रेकफास्ट में आपने भिगोए हुए जो चने आते हैं ना, जो आप पानी में थोड़ा सा डालकर उसको बाद में खाते हो सुबह, चनों को वही खा लो, चाहे तो एक ब्रेड खा लो, चाहे तो एक पराठा खा लो, कुछ भी खा लो थोड़ा बहुत, लेकिन बिना खाए मत रहो मॉर्निंग में, जरूर से जरूर खाओ। हेल्दी ब्रेकफास्ट इज हाई इन फाइबर, फाइबर में वो भारी होता है और फैट में वो कम होता है, राइट। शुगर एंड सॉल्ट जो है आपके पार्ट है बैलेंस डाइट के, एंड दे कैन हेल्प यू टू गेट द न्यूट्रिशन दैट यू नीड फॉर गुड हेल्थ। सो ट्राई टू टेक ब्रेकफास्ट एवरी डे, डू नॉट स्किप इट फॉर एनी रीजन, बिल्कुल किसी भी रीजन की वजह से उसको स्किप मत करो, ठीक है। यस ऑफ कोर्स बच्चा, बिकॉज ऑफ सैचुरेटेड यू नो फैट, सैचुरेटेड फैट इज नॉट एट ऑल हेल्दी फॉर योर बॉडी, so they sometimes causes serious illness in your body, right? चलो next, अभी components of food देख लो, इसके बाद हम मेंटी क्विज करने वाले हैं। so are you guys excited for मेंटी क्विज? come on at least make 70 plus like, मेंटी क्विज चाहिए तो 70 plus like जल्दी से कर दो। thank you so much युक्ति, my handwriting is very nice, thank you बच्चे, thank you so much, it really means a lot। And components of food में nutrients क्या होते हैं? That are important for your body, right? Carbohydrate है, protein, fat, vitamin, mineral and water. अब मैं बता दूं, ये आपका क्या है? Energy giving है, protein, ये आपके bodies में antibody, ये क्या करेगी बेटा? Protein is bodybuilding food, right? फैट इज ऑल्सो एनर्जी प्रोवाइडर, विटामिन मेक श्योर करती है आपके बॉडी में हेल्दी फंक्शंस, मिनरल का काम होता है आपकी बॉडी में जितने भी फंक्शंस हैं उनको प्रॉपरली मेक श्योर करना, मेंटेन करना एक हेल्दी बैलेंस इन योर बॉडी। वाटर क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है सारे न्यूट्रिशंस इन योर बॉडी। सो दिस इज योर कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड। एंड यस ऑफ कोर्स एवरीबॉडी, डू डाउनलोड अन अकेडमी ऐप इन योर फोन, ताकि आप सारे सारे अपडेट्स, इंपॉर्टेंट चीजें आपको अन अकेडमी पे मिल जाए। कॉम्बैक भी आपको यहीं पे मिलेगा, तो फटाफट से कॉम्बैक के लिए इनरोल नहीं किया है तो कर लो, मेरा कोड यूज करके PRACH। और यहाँ तक चीजें समझ में आ गई? जल्दी से बताओ, यहाँ तक चीजें समझ में आई कि नहीं? समझ में आ गई हो तो हम फटाफट से स्टार्ट कर दे अपना मेंटी क्विज, ठीक है? चलो, so yes, there is a plus subscription for you. If you want to take plus subscription, you can go ahead for that. Yahan pe best educator will teach you, live classes hongi, test and quizzes will be there for you. So just go and take the subscription. Yahan sab kuch structured wise milega aapko, amazing offer bhi abhi aapko mil rahe hain. To fatafat se bina deri ke subscription le lo, mera code apply karoge, 10% aapko discount mil jayega, theek hai? Iconic subscription is also there. So, इसमें सारे प्लस बेनिफिट्स होंगे, पर्सनल और लाइव मेंटोर, पर्सनल मेंटोर और लाइव डाउट सेशंस भी आपको यहाँ कंडक्ट किए जाएंगे, ओके? सो दिस इज अबाउट आइकॉनिक एंड प्लस, जस्ट गो थ्रू इट। स्पेशल क्लासेस, टेस्ट सीरीज, एडी फीचर या फिर कॉम्बैक, किसी में भी आपको इनरोल या अनलॉक करना है तो मेरे कोड से कर सकते हो। दिस इज अ फ्री बेनिफिट इन अन अकेडमी ऐप।
तो न्यू एकेडमिक ऑफर्स हैं, अमेजिंग ऑफर्स हैं, जल्दी से जाकर अभी ग्रैब कर लो। दिस इज एप्लीकेबल फॉर 25th अप्रैल ओनली, तो फटाफट से जाकर ले लो अभी के अभी। यस बच्चे, रफेज इज ऑल्सो अ कंपोनेंट ऑफ फूड। बच्चे जो भी पूछ रहा है बिल्कुल सही पूछ रहा है, दिस इज अ कंपोनेंट ऑफ फूड। भावेश तो आप बन जाओ मॉनिटर, मेरे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुझे चाहिए कि कोई बच्चा जो ऑल द टाइम बता सके बच्चों को, बिकॉज समटाइम व्हाट हैपन इन बिटवीन स्टूडेंट्स आर लाइक मैम मेंटी कम है मेंटी कम है, तो वो फ्लो बिगड़ जाता है पढ़ाने का, इसलिए मैंने मॉनिटर बनाया। सो आर यू गाइज रेडी फॉर द क्विज, ईट हेल्दी स्टे हेल्दी क्विज। देखो 4:30 बोला, 4:30 पे वी आर ऑन द क्विज। जल्दी से गूगल पे जाओ, राइट गूगल पे जाइए, क्या टाइप करना है आपको, टाटा टाटा टा का मतलब है टाइपिंग करनी है बच्चों, www.menti.com, ठीक है, ये जाके फटाक से टाइप करो। कोड क्या होगा मैं बता रही हूँ, चलो जल्दी से जाओ एंटर करो कोड 8953-7744, जल्दी से जाओ, ये आपका कोड है। कम ऑन एवरीबॉडी गो एंड ज्वाइन, एटलीस्ट आई वांट 70 प्लस स्टूडेंट इन मेंटी, जल्दी से आई वांट 70 प्लस स्टूडेंट इन मेंटी, और फटाफट से जल्दी से कोड है 8953-7744। is the code, come on everybody go and join the menti quiz, yes, do not wait for anything, just go and join the menti quiz। मैं आपका menti quiz activate कर दे रही हूँ। is the code, 42 students are here, come on यार join the menti quiz, very good, 51, 52, 4, 55, yes, come on, 60 students are here, very good, 70 students per we'll start the menti, 63 students ho chuke hai, very good, 67 ho chuke hai, very nice, 4 more to go, haan, ban jana Shubhangi, kal aap monitor ban jana, it's absolutely fine for me, 73 students are here, so come on students, let's start the menti because we have enough target se bhi upar ke students aa chuke hain menti quiz mein. So let's get started without any delay. Hum start karte hain, 74 students ho chuke hain. So all the best guys, you are having only 14 questions in menti. So let's start it. Chalo, start karte hain. Okay, the essential component of food are called. Essential components kya kehlate hain? ओ यो लोगो इज डोनट, मैंने देखा था शेयर बिग इज बैक। आपको कोड डालना है मेंटी में जाकर, आपको जाना होगा गूगल पर इसके लिए, ठीक है। एसेंशियल कंपोनेंट क्या होगा फूड का, न्यूट्रिशन फैट या विटामिन मिनरल्स। ओके ए आंसर, ओ जल्दी से एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फूड पढ़ाया था अभी जस्ट पढ़ाया था, डोंट डू दिस Don't do this, गलती मत करना। Very good. 70-80 students are in Menti. That's a good number of students. And of course, 70 students ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। That is nutrition. Very good. चलो, let's see कि कौन टॉप कर रहा है। और one more thing, before my going, at least 85 like कर दो, जल्दी से। Manya is the fastest one. Congratulations, Manya. Then we have Reena, Parishi, Tanisha, Abhishek, प्रकाश, अनीशा, रोमी, कशिश एंड मनस्वी। वेरी गुड यार बच्चों, बहुत बढ़िया। जल्दी से गो टू मेंटी एंड यस, सेकंड क्वेश्चन इज हियर एंड कोड इज, आई एम सेंडिंग यू द कोड, स्टूडेंट्स जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, कोड इज 8953-7744, ठीक है, जल्दी से जाओ और फटाफट से ज्वाइन कर लो, और मुझे 80 प्लस लाइक चाहिए, जल्दी से 80 प्लस लाइक, कम ऑन, यू कैन डू इट, आई नो यू कैन डू इट स्टूडेंट्स, 80 प्लस लाइक। क्या चीटिंग हो गई एक्सप्लेनेशन कॉर्नर, कौन सी चीटिंग हो गई? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोटेक्टिव फूड, प्रोटेक्टिव फूड कौन से हैं?
वेरी गुड, 46 स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया, 87 स्टूडेंट्स आर देयर इन मेंटी, दैट्स अ गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वेरी गुड, 87 में से 46 स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही कहा, चीटिंग ऑन मेंटी, व्हाट हैपेंड, क्या हो गया दीपक, कोई चीटिंग नहीं हो रही, जस्ट बिकॉज आपके आंसर नहीं सही आ रहे हैं इसलिए चीटिंग कैसे हो जाएगी, मेंटी के क्वेश्चंस आई हैव प्रिपेयर्ड, चीटिंग तो हो ही नहीं सकती, चलो Parish is on the top, then we have Manasvi, fastest one, then we have Kush, fastest one, Arohi, Tanisha, Winner Suri, Johnny Sins, Devang, Kashish, Manya. Congratulations, bache, congratulations. Next question. Chalo, question number third. फूड कंपोनेंट प्रेजेंट इन शुगर इज, जल्दी से बताओ, पढ़ा था ना फूड कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन शुगर, कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट होता है शुगर में, जल्दी से, प्रोटीन, फैट, विटामिन या कार्बोहाइड्रेट, विच कंपोनेंट इज प्रेजेंट इन शुगर, प्रोटीन, फैट, विटामिन या कार्बोहाइड्रेट, जल्दी से बताओ, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, यस मान्या, तन्मय, वेरी गुड, प्रकाश मिश्रा, वेरी गुड, जल्दी से, कम ऑन, टेल मी द आंसर्स, वेरी गुड, 60 स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, वेरी नाइस, गुड आंसर यार, बहुत बढ़िया, आई एम द टॉप 5, वेरी गुड तनिषा, कोई बात नहीं, एक्सप्लेनेशन कॉर्नर, कोई बात नहीं बच्चा, आप जल्दी से आंसर करो, आप लीडर बोर्ड पे आ जाओगे, ठीक है, हो जाएगा जस्मिता, अभी आप आ जाओगे, मे बी सेकंड्स का इश्यू हो इसलिए ऐसा हो रहा है, Parish is on the top, then we have Kush, Tanisha, Arohi, Johnny Sins, Winner Suri, you, Romi Sharma is the fastest one, then Prakash, then Devang, very good, very good, and come on yaar, make it 85 like at 85 like तो हो जाने चाहिए सेशन में, 87 students are there and I want 85 like, जल्दी से, percentage of water in human body, human body में कितना percentage of water होना चाहिए, 65, 70, 40 या 80, जल्दी से बताओ, कितना percentage होना चाहिए water का human body में, और मैं आपको एक बहुत important news देना चाहती हूँ, कल, tomorrow is संडे, तो देयर विल बी 4 क्लासेस ऑफ माइन, और कल हम बहुत ही अमेजिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, सेंचुरीज एंड पार्क्स के बारे में होगा आपकी मेगा मेंटी, देन वी हैव मेगा मेंटी ऑन फूड ऑफ एनिमल्स, मेगा मेंटी ऑन फूड कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यू नो फूड चैप्टर पर मेगा मेंटी होगी, बहुत अमेजिंग अमेजिंग कल सेशन होने वाले हैं, तो बी देयर एवरीबॉडी, टुमारो 9 AM पर जरूर मिलने आइएगा मुझसे, ठीक है, 9 AM, 1 PM, 4 p.m. and 6 p.m. 4 classes will be there tomorrow. So, फटाफट से मिलने जरूर आना मुझसे. 67 students से बिल्कुल सही आंसर दिया. That is 70%. बहुत बढ़िया. Hi Aradhya. Hi बच्चे. बहुत सारे बच्चों ने मुझे आंसर दे दिया था. Very good Tanisha. Very good. Hi Urvashi. Hi बच्चे. So Tanisha, you are the fastest one. Yeah, congratulations. Parish is on the top. Then we have Kush, Tanisha, Arohi, जॉनी, रोमी, प्रकाश, देवांग, मान्या एंड मिंचू, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाय बच्चे, युवती, हेलो, गुड आफ्टरनून, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, जल्दी से आंसर करो, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या होगा, फूड लाइक बर्गर, पिज्जा, पास्ता, रिच इन, जब आप बर्गर, पिज्जा, यू नो, यहाँ से बर्गर, यहाँ से पिज्जा, ये पास्ता, ये नूडल्स, इतनी सारी चीजें खाते हो, तो वो आपकी बॉडी में क्या इंक्रीज कर रही हैं? व्हाट आर दे इंक्रीजिंग इन योर बॉडी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या फिर मिनरल्स, क्या इंक्रीज कर रही हैं? ए ऑफ कोर्स, वेरी गुड श्रेया, सौम्या, प्रकाश, मिन्नी, मान्या, वेरी गुड, वेरी गुड, 71 स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, बिल्कुल करेक्ट स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट इज राइट आंसर, अश्लेषा, माई टाइमिंग इज
9 AM मॉर्निंग, देन 1 PM इन आफ्टरनून, देन इवनिंग में 4 and 6 PM. सो वी हैव परीशी ऑन द टॉप, देन जॉनी, देन अरोही, कुश, प्रकाश, रोमी, विनर, सूरी, मान्या, देवोंग एंड अशिलेशा. एंड अशिलेशा इज द फास्टेस्ट वन. कॉन्ग्रेचुलेशंस अशिलेशा, वेल डन, ग्रेट जॉब डन बाय यू, वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा. फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा. This is caused due to deficiency of iron is. आपको आयरन की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी हो सकती है? एनीमिया की, डायसेंट्री की, चिकन पॉक्स की या मलेरिया की? कौन सी बीमारी हो सकती है बच्चों आपको? डेफिशिएंसी ऑफ आयरन. अब आयरन का ये मतलब नहीं जो आप मेटल सोचते हो वो. ना 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 ना, मेटल नहीं है. नो 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 नो, मेटल इज नॉट देयर इन योर बॉडी. आयरन इन डिफरेंट फॉर्म. ठीक है, वेरी गुड. 68 स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही बताया. एनीमिया के कारण आपको डेफिशिएंसी, एनीमिया की जो एनीमिया प्रॉब्लम होती है दैट इज बिकॉज ऑफ आयरन की डेफिशिएंसी. करेक्ट आंसर, वेरी गुड. हाय एवरीवन, दोस्तों आर जॉइनिंग नाउ, यू कैन जॉइन द मेंटी. 8953-7744 इज द कोड. यस, यू आर नॉट इन द लीडर बोर्ड. आई एम नॉट अनदर मान्या. Parishi is on the top and she is the fastest one. Then we have Johnny. Then we have Kush, Romi, Arohi, Manya here. Remember me, I always remember you. Then Prakash, then Devang, then Asilesha and winner Suri. Very good everybody. Top 10. You guys are top 10 winners among 82 students. That's a pretty good number, right? Very, very great job done by you people. कोई बात नहीं sir, there is nothing to cry about. I'm on 75th. कोई बात नहीं Hazel. चलो, which of the following does not contain sugar? किसमें sugar नहीं होता? किसमें sugar नहीं होता? Which of the following does not contain sugar? किसमें sugar नहीं होता? Glucose, apple, potato, grapes. किसमें नहीं होता? जल्दी से बताओ. Which of the following does not contain sugar? Sugar नहीं contain करता. Glucose, apple, potato, grapes. Very good. Potato में नहीं होता, बिल्कुल सही. The correct answer is C. Potato में आपका sugar नहीं होता. ठीक है, they don't contain sugar. इसमें आपका sugar नहीं होता. Very good. Very good, ma'am. I'm Aradhya. I'm 14th rank. Okay, Aradhya. Next question. से पहले let's see the leaderboard. Hi Meenu, hello बच्चे. क्या हुआ स्मृति, क्या समझ में नहीं आया आपको? Parish is on the top, then and she is the fastest one. Then we have Romi, Ashilesha, Vinay, Suri, ma'am, Mr. Ayush के नेम से अंशी. Okay अंशी, Ved, you, Bhavesh, Priyanshu and Nancy, congratulations. Question number 8. Next question number 8. Beta, it is asking about sugar. ठीक है, किसमें sugar नहीं होता? अभी आप fruits खाते हो, you have sugar in that. Vegetable में, potato में आपका sugar नहीं होता है, vitamins होते हैं. ठीक है, so that is why its answer is potato. ठीक है, that's why its answer is actually tomato. या आप मेरे को question एक second देखने दो पहले. Yes, that's why the answer is potato. ठीक है? चलो, which of the following is the source of protein from plant origin? Plant origin. Oh, आप हो अंशिका. Okay, अंशिका. 50 बच्चे, 50 students ने सही आंसर दिया. That is soybean. Soybean is the right answer. Okay, thank you, Radhya. Hi, Nitya. Thank you so much, Radhya. बच्चे, thank you. चलो, let's see the leaderboard. We have Anisha as the fastest one. Top पर है परीशी, then Romi, Asilesha, Suri, Ved, Ayush, you, Priyanshu, Frosty, the ghost, Snowman. Oh my God, Anisha, did you remember me? Actually, do remember you. Okay. What happened? I was stupid, ma'am. क्या हो गया?
क्या हो गया सैयदा सनोवर हशमी, व्हाट हैपेंड? क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट, जल्दी से आंसर करो। ओके ओके ऋतुराज, बाय बाय। कोई बात नहीं श्रेया, आ जाओगे लीडर बोर्ड में, कल को परेशान हो रहे हो। हाय रिद्धमा, हाय रोशनी, हाँ रोशनी बताओ व्हाट हैपेंड। हाय स्पर्श, हेलो। डिजीजेस कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी से क्या होता है जो आपके नमक में भी मिलता है ना। हाय अंशिका, हाय बच्चे, आप अंशिका हो ठीक है। हाय स्पर्श, हेलो, बताओ डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन से क्या होता है, चिकन पॉक्स, मलेरिया, एनीमिया या गोइटर? आंसर अगर एकदम दिमाग से दोगे ना बिल्कुल पता चल जाएगा। वेरी गुड, गोइटर आपके गले में होता है ना, गले में आयोडीन की कमी से स्वेल करता है ठीक है। वेरी गुड, हाय आयाना, हेलो, हाय हर्षिका, हाय नित्या, हाय बच्चे, हाय मीनू, हेलो। सो परीश इज ऑन द टॉप, देन वी हैव रोमी, अशिलेशा, विनर सूरी, वेद इज द फास्टेस्ट वन, देन यू इज हेयर मैम, मिस्टर आयुष के नाम से अंशी इज ऑन द सेवेंथ पोजिशन, देन वी हैव अनीशा इज द फास्टेस्ट वन ऑन एथ पोजिशन, देन कुश एंड जॉनी। कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीबॉडी। क्वेश्चन नंबर 10th इज हेयर, क्वेश्चन नंबर 10th इज हेयर। थैंक यू सो मच युक्ति, थैंक यू सो मच। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, नाइट ब्लाइंडनेस कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। नाइट ब्लाइंडनेस किसके कारण होता है, जल्दी से नाइट ब्लाइंडनेस किसके कारण होता है? कम ऑन टेल मी, नाइट ब्लाइंडनेस किसके कारण होता है? इट्स कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, 50 स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, दैट इज अ गुड आंसर, वेरी गुड, वेरी गुड, विटामिन ए बिल्कुल करेक्ट। हाय हाय नायशा, हेलो, वेलकम टू द सेशन। सो ऑन द टॉप वी हैव परीशी, देन रोमी, देन अशिलेशा, देन विनर सूरी, देन वी हैव वेद ऑन द टॉप एज द फास्टेस्ट वन, यू इज ऑन द सिक्स्थ पोजीशन, देन वी हैव आयुष के नाम से अंशी, अनीशा एंड ऑन ऑन द सेवेंथ पोजीशन, देन कुश ऑन एथ, जॉनी सिंस इज ऑन टेंथ पोजीशन। कॉन्ग्रेचुलेशन स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन, जल्दी से आंसर करना है, क्वेश्चन नंबर 11। ओके इसके बाद 3 क्वेश्चन बचे हैं, फिर हम एंड करेंगे सेशन को। हाँ यू हैव मेंटी इन टुमारो सेशन, कल के सेशन में हमारा मेंटी होने वाला है, और जिस जिस बच्चे ने अभी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है फटाफट से ले लो। अगर चाहते हो कि मैम आपको प्लस क्लास पढ़ाए तो फटाफट से ले लो, फ्रॉम यू नो बहुत ही जल्दी मैम प्लस क्लासेस भी आपको पढ़ाऊंगी, तो फटाफट से सब्सक्रिप्शन परचेज करना शुरू कर दो। राइट, द मिनरल वी गेट फ्रॉम फिश, फिश से हमें कौन सा मिनरल्स मिलते हैं, जल्दी से आंसर करो। यस जल्दी से बताओ, फिश से हमें कौन सा मिनरल्स मिलता है? नन ऑफ दीज आंसर क्यों आया बेटा? आयोडीन इज द राइट आंसर, ए वॉज द राइट आंसर बच्चे, आयोडीन हमें यू नो फ्रॉम सम ऑफ द फिश वी गेट आयोडीन, सो करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज आयोडीन। आप जिसने एनओटी दिया है गलत आंसर कर दिया बच्चे, गलत। हाय श्रेया, हेलो, करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज आयोडीन। देखते हैं किस किस बच्चे ने आंसर सही दिया था, लेट्स सी, लेट्स सी। और इस क्वेश्चन को जरा मैं एक बार सर्च करूं, क्योंकि मुझे भी थोड़ी कंफ्यूजन है मिनरल्स। सो जो मिनरल्स वी गेट फ्रॉम, एक सेकेंड मुझे एक सेकेंड क्लियर करनी है, इसमें इसमें आपका मैग्नीशियम, आयरन और आयोडीन तीनों होगा, तीनों
तीनों ही आंसर्स होंगे, तो वन सेकेंड लेट मी जस्ट क्लियर दिस क्वेश्चन, क्योंकि आप लोगों का ये क्वेश्चन मेरे को यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव लिखना चाहिए था, ठीक है? सो आई एम डूइंग इट राइट हियर, मैं यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ आपका क्वेश्चन. ठीक है, तो अभी सब बच्चे इसको सही कर दो, क्योंकि आपका आंसर होना चाहिए था यस. ओके चलो, सो आपको फिश से सम ऑफ द फिश जो हमारी फिशेस होती हैं, फ्रॉम दैट विल गेट आयरन, सम ऑफ द मैग्नीशियम, सम ऑफ द आयोडीन, तो सारे ऑप्शन इज राइट हियर, सारे ऑप्शन करेक्ट है, तो मैंने करेक्ट कर दिया अभी सारे बच्चों का आंसर. सो दिस इज एक्चुअली राइट. ओके यस, आई हैव वन मोर क्लास एज टूडे 6 PM, वो आपका रिकॉर्डेड सेशन है, पर डू वॉच इट. आई वॉन्ट की वहां पर कौन कमेंट करता है कि हैशटैग शी इज द और ही इज द फर्स्ट वन टू वॉच दैट सेशन लाइव, तो देखते हैं, है ना, एट 6 PM. करेक्ट, अनिशा इज द फास्टेस्ट वन, कॉन्ग्रेचुलेशन अनिशा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12th. वेरी गुड, टू मोर क्वेश्चन टू गो, दो क्वेश्चन और बच्चे. कम ऑन स्टूडेंट, मेक इट 90 लाइक, रिकॉर्ड तोड़ दो, 90 लाइक कर दो आज. आयोडीन इज यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ डैश इन द फूड, क्या प्रेजेंस ऑफ डैश होता है? यस, फटाफट से, बहुत जल्दी आऊंगी नाशा प्लस में, बहुत ही जल्दी मैं आपको बताने वाली हूँ कोई अमेजिंग सी न्यूज, डोंट वरी. एंड कम ऑन, मेक इट 90+ स्टूडेंट्स, कम ऑन, मेक इट 90+ लाइक्स. ओ हु इज क्राइंग, 29th प्लेस, कोई बात नहीं अनुपमा. चलो, 38 स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया, दैट इज स्टार्च, बिल्कुल सही आंसर. हेलो धीरेन्द्र, हेलो बच्चे. श्रेया, यू आर थिंकिंग राइट, शी इज द राइट आंसर. अनिशा इज द फास्टेस्ट वन, एंड वी हैव परीशी ऑन द टॉप, देन रोमी, देन वेद, देन आयुष के नाम से अंशी, अनिशा, जॉनी सिंस, मायरा, विनर सूरी, अशिलेशा एंड यू. वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. तो हम सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं स्टूडेंट्स. मेंटी को स्केड्यूल, बेटा मेंटी को स्केड्यूल हो गए, सेशन स्केड्यूल है, मैं आपको बता देती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ, 9 AM पर है. देन हाईएस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ मिनरल इज फाउंड इन, 1 PM पर है. देन 4 PM पर होगी क्लास, then 6 PM for tomorrow's schedule, 9 AM, 1 PM, 4 PM and 6 PM. ठीक है, so what will be the correct answer? Mineral सबसे ज्यादा कहाँ पर पाया जाता है? Highest concentration of mineral is found in dash. 42 students ने बिल्कुल सही answer दिया है, that is your bones and teeth. Very good. ओके, कोई बात नहीं लक्ष्मण, चार्जिंग फिनिश हो गया, आप मेरे को यहीं पे आंसर कर दो, ठीक है, चलेगा चलेगा. अनिशा इज द फास्टेस्ट वन, कॉन्ग्रेचुलेशंस अनिशा, वेरी गुड, ग्रेट वर्क डन बाय यू. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है ऑफ द मेंटी क्विज, एंड मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में इस सेशन के बताना आपको ये सेशन कैसा लगा, आपको ये सेशन कैसा लगा मुझे जरूर जरूर कमेंट सेक्शन में बताना बच्चों. और आई रिक्वेस्टिंग यू कि मेक इट एटलीस्ट 90+ लाइक, बिकॉज ये मेरा सेशन कंडक्ट करने पर एक ही फोकस था कि मैं आपको उस चीज को बता सकूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, एज वी आर गोइंग थ्रू अ वेरी वेरी टफ टाइम. आपको पता है ये पेंडेमिक सिचुएशन है, और इस बार कोरोना ने कुछ ज्यादा ही अटैक कर दिया है, बहुत ज्यादा कंडीशंस आर क्रिटिकल. सो इस टाइम आपको हेल्दी चीजें ज्यादा खानी चाहिए जो आपकी बॉडी में गुड हेल्थ आपको दे सके. इसीलिए मेरा फोकस था कि मैं आपको एक अच्छा सेशन दे सकूं फूड के ऊपर. तो आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया हो, और पसंद आया हो तो जरूर हिट बटन लाइक करिए, लाइक बटन हिट करिए, एंड ऑफकोर्स कॉमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा. ठीक है, 32 स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया, दैट इज कार्बोहाइड्रेट. तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द लास्ट लीडर बोर्ड.
लास्ट लीडर बोर्ड देखने जा रहे हैं। शबाना वेलकम टू द सेशन। आकृति हाय बच्चे, ऑल बिकॉज ऑफ कोरोना। यस युवति। सो रोमी इज द फास्टेस्ट वन। देन वी हैव वेद, अनीशा, परीशी, जॉनी सिन एंड असिलेशा, देन सूरज, देन आयुष के नाम से अंशी एंड मायरा। वेरी गुड, वेरी गुड। यस, लेट मी जस्ट हैव अ लुक सो दैट मैं अपने सेशन को पॉज कर दूं। यस, एक सेकेंड। यस, सो अब मैं सबको सर्टिफिकेट देने जा रही हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। सो लेट्स सी, सबसे पहले है रोमी। ओके, सो रोमी, कॉन्ग्रेचुलेशंस रोमी फॉर बीइंग फर्स्ट इन मेंटी। कॉन्ग्रेचुलेशंस बच्चे। डेट आपकी है 24 अप्रैल, और कीप ऑन डूइंग वर्क लाइक दिस। कल भी आप मुझसे मिलने आना, मॉर्निंग में 9 AM पर भी सेशन होगा, फिर आपका आफ्टरनून सेशन होगा, इवनिंग सेशन होगा, तो बिल्कुल आइएगा मैम से मिलने, ठीक है? एंड यस, सेकेंड है वेद, कॉन्ग्रेचुलेशंस वेद। फिर है अनीशा, कॉन्ग्रेचुलेशंस अनीशा, यू आर द फास्टेस्ट वन ऑल्सो, राइट? यू आर द फास्टेस्ट वन एंड थर्ड इन मेंटी। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशन, राइट? 24 अप्रैल। नेक्स्ट, आपके कौन कौन से लड़के थे यहाँ पे? जॉनी इज ऑल्सो बॉय हेयर, जॉनी, देन यू, देन सूरज, एंड यस। उसके बाद इन गर्ल्स वी हैव मेंटी में मायरा, अंशी, अशिलेशा एंड परीशी। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आप लोग मुझे अपने नाम बता सकते हो, अगर आप चाहते हो कि मैं आपका नाम लीडर बोर्ड आपका नाम लिखूं। एक सेकेंड। यस, तो आप मुझे बता सकते हो। प्रभा परी मैं आपके नाम लिख दूंगी। उर्वशी, सुहानी, अंशिका, नित्या, दीपांशी, मोमल, वैभवी, प्रिया या फिर रिदा, रिदा एंड प्रिया, युवती, मनस्वी, रिदिमा, अंशिका। ओके, अंशिका मैं आपका नाम यहाँ पूरा लिख दे रही हूँ, अंशिका, कीर्ति, पल, यस, हर्षिता, बहुत सारे बच्चे हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट हियर टुडे, एंड कम ऑन यार, टू मोर लाइक्स टू गो, मेक इट एटलीस्ट 90+, जल्दी से 90+ कर दो। टू मोर लाइक्स टू गो, कम ऑन यार, यू कैन डू इट। चलो जल्दी से, प्रियांशु। सो यहाँ पे लिख दूं, लड़कों का नाम भी आ रहा है, प्रियांशु। और कौन है लड़कों में, जल्दी से बताओ, लड़कों में कौन है प्रियांशु के बाद? एनीबडी एल्स हु इज लेफ्ट आउट इन बॉयज? मनस, युवराज, नो, युवराज नहीं है। सो हियर, वैभवी का नाम हो चुका है, सौम्या इज लेफ्ट आउट, सौम्या, और कौन बचा है? देवेश, यस, समृति, अच्छा समृति है, सो समृति, अनुपमा, कोई बात नहीं अनुपमा बेटा, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, एंड श्रेया। सो चलो अभी कोई बच गया है, सो टू ऑल द गर्ल्स, है ना, अगर कोई बच गया है, सो दिस इज टू ऑल द गर्ल्स। इफ इज समबडी इज लेफ्ट आउट, सो दिस इज टू ऑल द बॉयज, एंड कम ऑन बॉयज, मेक इट एटलीस्ट आज जाते जाते 90+ लाइक कर दो, है ना मैम के जाते जाते 90+ लाइक तो होना चाहिए,
कम ऑन, इतना तो कर सकते हो मैम के लिए, सुपरस्टार बॉयज हो आप लोग। एंड यस, कौन रह गया? रोमी कौन रह गया? प्रांजल रह गए। ओके, प्रांजल का नाम लिख दे रही हूं, प्रांजल एंड आशुतोष। ओके आशुतोष, चलो। सो महनूर इज ऑल्सो लेफ्ट, महनूर का नाम लिख दे रही हूँ, महनूर। यस महनूर, आपका नाम लिख दिया। ओके चलो, सो थैंक यू सो मच। एंड वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू, यू डोंट हैव टू ईट लेस, आपको कम नहीं खाना है, ये आपके लिए थॉट है, थॉट ऑफ द सेशन, राइट, थॉट ऑफ सेशन। मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि आज के सेशन का बस मेरा इतना ही मोटो था कि खाना कम मत खाओ, बट सही खाना खाओ जो आपको एक अच्छी हेल्थ प्रोवाइड कर सके, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, आप मुझे अन अकेडमी पे फाइंड कर सकते हो अदर कोर्सेज में, और आप मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। वन मोर थिंग, कल मेरी क्लास होगी 9 AM पर मॉर्निंग, 1 PM पर इन आफ्टरनून, देन 4 PM पर इन इवनिंग एंड 6 PM पर। कल के चारों सेशन आपके अमेजिंग सेशन होने वाले हैं, तो जरूर मुझसे मिलिएगा। और अभी 6 PM पर एक रिकॉर्डेड सेशन आएगा आपके लिए, वन शॉट रिवीजन सेशन होगा, फटाफट से उसको भी जरूर से जरूर देख लेना। टिल देन बाय बाय, और डू हिट द लाइक बटन। बाय बाय एंड हैव अ गुड डे, लव यू।